दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के 30x40 के। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम, एक बड़ा सा गेस्ट रूम जिसको बोल सकते हैं, लॉबी, कार पार्किंग, लेटरिन बाथरूम और प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है इस मॉडल में। 30x40 का बहुत ही बेहतरीन प्लान है और जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई भी रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। पेड सर्विस में दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें और वहाँ से आपसे बात की जाएगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, आपका अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग आपका हाउस प्लान किया जाएगा, 2D चाहते हैं तो 2D किया जाएगा, 3D चाहते हैं तो 3D किया जाएगा, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी। अगर आप फ्री में बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हालांकि कमेंट सारे तो मैं नहीं पढ़ पाता हूं और ना ही उनका रिप्लाई दे पाता हूं, ना ही सारे मॉडल क्रिएट कर पाता हूं, लेकिन मैं किसी एक का ज़रूर क्रिएट करता हूं। जब भी मैं पर डे सपोज 50 रैंडम कमेंट आते हैं तो किसी एक का पिक करता हूँ और उनका मैं मॉडल क्रिएट करके आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है 30x40 का बहुत ही बेहतरीन है। आपको यहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह सबको 3D मॉडल दिखने वाला है। तो चलो आज का मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, कर सकते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा मैप। तो सबसे पहले इसका मैं ग्राउंड फ्लोर आपको दिखा दूँ, सबसे पहले फ्रंट व्यू दिखा दूँ। फ्रंट से आपको ये मकान दोस्तों ऐसा लगेगा, देख पा रहे होंगे आप, ये इसका मेन डोर है और ये एक रूम है, बड़ा सा गेस्ट रूम जिसको मैं बता रहा। तो ये तो कोई डिजाइनिंग का पार्ट मैंने कर दिया है और ये रेलिंग है। तो सबसे इसके ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे चलते तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख लें फ्रंट से। यह मेन डोर है जहाँ से आप कार पार्किंग के लिए ऊपर जाएंगे। फ्रंट में आपका रोड ही होगा और 3 साइड ये क्लोज्ड है। तो सबसे पहले मिल जाता है आपको कार पार्किंग के लिए स्पेस और वहीं पर मिल जाते हैं स्टेयर्स जो कि आपको अंदर से बाहर की ओर आएंगी और एल साइज की थोड़ी से मुड़ जाती हैं। तो ये पूरा आपका कार पार्किंग स्पेस और स्टेयर्स की बात हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक फ्रंट रूम है जो कि एज ए गेस्ट रूम भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गेस्ट रूम में आप बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं। बाहर से मैंने डोर और विंडो दिया है जिसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। और इसी रूम में एक अंदर भी मैंने डोर दिया, ये देखिए आप डोर और ये विंडो दिया जिससे आप अंदर जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइड में। ये दोस्तों क्योंकि 30 फीट टोटल चौड़ा है, ये इसकी चौड़ाई टोटल 30 फीट है, तो और ये लगभग आपका अगर आप 12 फीट भी अप्रॉक्स यहाँ पर ये निकाल लेते हैं इस एरिया को, तो ये एरिया तब भी आपका 18 फीट टोटल बचता है। तो 18 फीट में मैंने ये लगभग 6 फीट आपका ये लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड निकाल दिया और 6 फीट का ही ये मैंने यहाँ पर किचन निकाल दिया है चौड़ाई में। लंबाई फिलहाल इसकी ज़्यादा है। तो ये जो रूम है आप एज आ रेंट भी दे सकते हैं, इसी मैंने अलग से लेटरिन बाथरूम और किचन भी एक दे दिया है इस रूम के लिए। तो ये पूरा सेपरेट पोर्शन हो जाता है। इसके बाद जैसे आप एंट्री करते हैं तो आप मेन डोर से भी एंट्री कर सकते हैं, ये मैंने डोर दिया है, या आप इस वाले रूम से भी आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये आपका पोर्च बन जाता है, बड़ा सा पोर्च है आपका और ये साइड में आपका किचन यहाँ पर बन जाता है। अगर हम बात करें सबसे लास्ट की तो सबसे पीछे मैंने लगभग 2 से 2.5 फीट का स्पेस छोड़ दिया है वेंटिलेशन का। आप अगर आप ऊपर जाल रखवा लेते हैं तो जो भी रूप से छत से आपका रोशनी आएगा, हवा वगैरह आएगी, जिसे इन ये 2 रूम मैंने जो क्रिएट किए, एक रूम ये, इसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोनों रूम से मैंने पीछे जाने के लिए स्पेस दिया है, अगर आप देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। और विंडो भी दिया है ऐसा ही बिल्कुल सेम इस रूम में डिज़ाइन किया है। और बीच में जो स्पेस बचता है ये मैंने आपको दोस्तों लेटरिन और बाथरूम आपका क्रिएट किया। काफ़ी बड़ा सा बाथरूम है, आप बेहतरीन से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका पूरा मेन डोर है और यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे फ्रंट में। तो ये पूरा हाउस प्लान हो गया। पीछे दोस्तों 2 आपके हाउस प्लान हो जाते हैं और ये मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। ये आप जो बॉर्डर सा देख रहे हैं, दीवार सा, ये दोस्तों दीवार नहीं, सिर्फ मैंने सेपरेट कर दिया अलग। यहाँ पर आप वेंटिलेशन के लिए जाल ऊपर रखवाएंगे आप, क्योंकि जाल रखवाएंगे तो आपका वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला होता है। तो ये पूरा 30x40 का हाउस प्लान था, जैसा कि आपको मैंने बताया विद कार पार्किंग। बहुत ही बेहतरीन प्लान था। अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप लास्ट फ्लोर पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ भी फिलहाल मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, केवल ग्राउंड फ्लोर ही इसका डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर मैंने आपका रेलिंग वगैरह ये देखिए डिज़ाइन कर दिया है और ये जो नीचे वाला पोर्शन था जहाँ पर आपका कार पार्किंग था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि उसी में स्टेयर्स हैं तो आपका बरसात में पानी वगैरह आपका अंदर नहीं जाएगा। और इसको मैंने ये यहाँ पर ढक दिया है और ये एक विंडो दे दिया है जिसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप ऊपर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा लें। हमने जो डिज़ाइन किया मात्र ग्राउंड फ्लोर किया है। ये वीडियो जैसा भी लगा हो हमें ज़रूर बताएँ।
लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है 30x40 में इसका साइज वगैरह क्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते हैं। और अगर यदि वीडियो आप ये फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो इसी से रिलेटेड, हाउस प्लान से रिलेटेड मिलते रहते हैं। और मैं जैसे कि आपको बता दिया, अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर हमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके सभी प्लान क्रिएट किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं ब्रेक करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट या आपका जो भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।